दुर्गा मंडप बस्ती टोटाली भोट देवुनु केमी जितु मुझे देखी आम दुर्गा मंडप बस्ती टोटाली भोट देवुनु एवं अन्याय चलती मुख्यमंत्री समस्त को पट्टा बंटन करिसथि किंतु सबुठ बड़ कथा जो मैंने योग्य हिताधिकारी से जो घर जमी पट्टा वर्तमान सुधा मिलनी किंतु अजोग्य मैंने अजोग्य मानक मिली जो आज सिचुएशन देखा मिलूँ 34 नंबर वार्ड में आप पूरा दृश्य देखिए जो मैंने रही से विरोध कर सबुठ बड़ कथा जो मैंने पखापाखि 40 वर्ष रु ऊर्ध समय धरिकी रही से घर मिलनी आ कि लोक जो मैं घर पट्टा मिली फाइन कर लक्षे टाँचा तो क्या 50,000 टाँचा कि लोकंर मैं प्रतिक्रिया ने कौन प्रमुख अभियोग रही है से जो भाव में जी आप देखिपे ये हूँ 34 नंबर वार्ड आखापाखि 96,396 टाँह को आसी फाइन देवे पुणी तीन दिन भितर आम से सारे सहित आलोचना करवा आज्ञा आपड़ ये रही केत वर्ष होगा रही मुख्यतः कहीं फाइन ये 18 वर्ष है रही कि फाइन कौन से तो कागज किसी लिखा जाए किंतु कागज लिखा जाए 96,360 दवा को करन दिन भितर दवापाई कही आम जा जगह पर पहुँची मागिला बेलू कहते तुम कूपन काट टिकेट डिपोजिट पैसा डिपोजिट कर पट्टा नि आज्ञा आम पाखे ये पट्टा भत्ता पैसा ना आम पाखे आम आणबु कौटू आम तो गरीब लोक ना से बस्ती पड़ रही 18 वर्ष होगा बीएमसी जो अमाउंट आपनकर काटीची पूर्वपुर के आसी के इंक्वायरी करा जाय थिला कि कारण घर जणे ना दी किछि जणे ना दी कोन पई हमरा एपन किछ हम जणे ना दी हटा देम दी हम घर माप जाय माप माप जब किछि करे ना दी आ किछ महिला मते अछि हमर तो ना आसीनी मैडम टोटली हमर ना आसीनी हमर किंतु कार्ड रो ये मरे छि कबाट किंतु हमर ना आसीनी केते वर्ष रहले आमे एठी 8-10 वर्ष ला रहिलुनो आ कोन आमे कोन टाउ कहबा हमर तो ना आसीनी ना महिला मध्ये अछंती आज्ञा आपण जो जोमल भाबरे अभिजोग करूथिले कोटना कोटि पात्र अंतर हेची जो माने रहिछंती जो माने प्रकृत हिताधिकारी सेमानको ना आसी जो मानकर ना आसी सेमान एठी रहू नांती ना रहू नांती एठी जमा टोटली रहू नांती आधार कार्ड राती चेंज करी पकेइछंती आमे सेटा जानिनु आमे तबो विरोध कला के काटु नांती ना ये को नांती बीएमसी से पदक्षेप नै नै तांको पट्टा देदिले आगो धाडी रे नै कि आइडेंटिटी कार्ड नै कि तांको सर सम्मान माने एसी गाडी रे नै कि तांको नै कि सम्मान नला ये बुढी लोगटा कोन करथिला कार कौन करते अधा लोक ये आम बस्ती पाई ना यही आम बीएमसी रिक्वेस्ट अनुरोध करेंटा आम बीएमसी आम जो बस्ती जो मैंने रोच्च प्रकृत आम ये योग्य से मानक आमको पट्टा दि जाऊ आमको आमको घर दि जाऊ आ जो मैंने पदार रोचे टोटाली एटिक एंट्री कर बाइक कर अशी लोक आई 80 लोकर आई बकरी बकरी छोटी छोटिया घर रही तथापि से फाइन दिखाई कार लक्ष आसी कार लक्ष 77,000 आई कार लक्ष 44,000 आई कार लक्ष 11,000 आई एमती लेखा समस्ती प्राय लक्ष ऊपर 40 जनकर आउतापर कार 7,000 कार 30,000 कार 12,000 एमती माने फाइन रूरा सामान ई ना बुझले आंकु कहते घर अधिक बढ़े देवे केमी आमर नियम हूँ 323 स्क्वायर फुट समझ दि जाओ बस्ती में जदि जन को 448 स्क्वायर फुट दिवे जन को 332 देवे समझे हणाघटी करके मरवे ना ना मरवे से जहाँ नियम करेंगे गवर्नमेंट समस्त की सामान भाव में कराऊ जदि न हो एगुड़ाक बेकारिया धंदा को बंद करें जमी रोच आम सेम आम ये जगह छाड़बु आम दुर्गा मंडप बस्ती की आम टोटाली छाड़बुन आम को आम जमी रोच सेमती रही आमर जगह दरकार नहीं भी घर भी दरकार नहीं आमको जब न्याय न दि जाऊक न्याय करने को आसतुन आम भी भोट भी देवुनु एथरक दुर्गा मंडप बस्ती टोटाली भोट देवुनु केमी जितुंच मुझे देखी आम दुर्गा मंडप बस्ती टोटाली भोट देवुनु एवं अन्याय चलती आमको न्याय दि जाऊ आमर 323 स्क्वायर फुट से घर दरकार आम अधिका दरकार नहीं कि अधिका जगह भी दरकार नहीं आम जी घर आम से दि जाऊ क्या आम एति फाइन आम दे पार्बुन आम जेहतु गरीब लोक आम कौ आन लक्ष 18,000 टाइम देखो 18,641 टाँग मुझे कौटू आज्ञा 41 देवी 8,000-9,000 दरमा पाँच मुझे आज्ञा कौट देवी से घर चलेबि ना घर भड़ा देक रोचे एत दिन आसिक 10-12 वर्ष 15 वर्ष है रही मुझे पैसा आणबू कौटू देवी कड़ू आमको जीक 323 स्क्वायर फुट आमको से घर दि जाऊ आमको अधिका घर दरकार नहीं समस्त को से ही सामान करूँ आम क्या अधिका ये दे पार्बुन क्या ना तो
ଆମ ତ ଦେଖା ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସମାନ ରୁଲ ଏଇଟା ରହେ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଲେ କାମ ଉପରେ ରହିଲୁ? ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ 10 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକି ରହିଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଘର ମିଳିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କେହି ଆସି ଜାଗା ମାପି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଇନ୍ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଗା ମାପିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୁଣି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା ବା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇ ଚିନ୍ମୟ।